मैं दामोदर राव, आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, 14 दिसंबर 2015 आज मुहूर्त हुआ फिल्म सुपरस्टार, भोजपुरिया सुपरस्टार का, जिसके मुख्य कलाकार हैं रोशन राजपूत जी, जिनकी अभी हाल ही में सुपरहिट फिल्म गई माई के कर्ज, जिसके काफ़ी गाने जो थे सारे अच्छे गाने थे, रानी चटर्जी थे उसमें, अक्षरा सिंह, कई कलाकार थे, तो बड़ी सुपरहिट फिल्म थी वो। तो उनकी ये दूसरी फिल्म है भोजपुरिया सुपरस्टार, जिसके कथा और निर्देशक हैं, डायरेक्टर साहब हैं जो हमारे पिता समान हैं, हमको काफ़ी मदद किए हैं, श्री आलोक तिवारी जी, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामना है उनके लिए। तो ये फिल्म में बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट है भोजपुरी के लिए, भोजपुरिया सुपरस्टार ऐसा स्टोरी है कि इस टाइप का कहानी आपको शायद देखने को नहीं मिला है। एक अलग सोच करके, काफ़ी सोच विचार के, काफ़ी दिनों के बाद इसके जो निर्देशक जो हैं आलोक तिवारी जी, ये प्लान बनाए, बहुत दिन से सोचते सोचते कि हमको एक फिल्म बनाना है, और आज ये समय आ गया कि आज इसका मुहूर्त हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छे गाने हैं, जिसके गीतकार हैं राजेश मिश्रा जी, हमारे सामने बगल में खड़े हुए हैं आज़ाद सिंह, जिनके काफ़ी अच्छी फिल्में हैं, कई हिट गाने दिए हैं मार्केट में इनका, पवन सिंह, खेसारी लाल जो हीरो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे गाने लिखे हैं, तो ये भी इस फिल्म में लिख रहे हैं, और भी कई गीतकार हैं, संतोष पुरी जी, वो भी एक दो गाने इस फिल्म में लिखेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को आप लोग देखें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के गाने काफ़ी अच्छे हों और इसमें अच्छे ढंग से सिंगरों से, गायकों से गवाया जाए। कहानी भी इसकी अलग टाइप की है कि एक गांव देहात से एक लड़का टीवी देखता है, और टीवी देखते देखते फिल्म देखता है, उसमें हीरो को देखता है, और हीरो को देखने के बाद उसके मन में एक कामना जगती है, चाह पैदा होती है कि काश मैं भी पर्दे पर आता। यही सोचकर चला मुरारी हीरो बनने, बस इस सुक्ति को पूरा करने के लिए वो बम्बई चला आता है, और बम्बई आकर दर दर की ठोकरें खाता है, बहुत मुसीबत सहता है, मतलब कि रियल स्टोरी जो है, यहाँ स्टार आते हैं क्या क्या स्ट्रगल करते हैं, वही कहानी इसमें दिखाया जाएगा। हम आप सभी दर्शकों से ये कहेंगे कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, और देखने जाइएगा फिल्म सिनेमा हॉल तक, क्योंकि सिनेमा में देखने का कुछ अलग बात होती है। तो इसी शुभकामना के साथ मैं इस फिल्म के लिए तत्पर हूँ कि इसका म्यूजिक काफ़ी अच्छा बने और लोगों को पसंद आए। हमारे साथ खड़े हुए हैं आज़ाद सिंह गीतकार जी, मैं चाहूँगा कि ये भी फिल्म के बारे में कुछ बताएं। जी, मैं गीतकार आज़ाद सिंह सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और आज भोजपुरिया सुपरस्टार फिल्म के मुहूर्त हुए, और मैं पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और इस फिल्म की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और हम ही लोग के जीवन पे है कि हम कैसे यहाँ पे आते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे अपने आप को मतलब झेलते हैं लोगों से और अपने आप को फिर कामयाबी पे लाते हैं। तो इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार, और आपको ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा इस सब्जेक्ट से, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा इस फिल्म को। अभी हमने तो रेगुलर इस बीच में पवन जी की और खेसारी लाल जी की, कुछ दिनेश जी की फिल्में आ रही हैं अभी रेगुलर, और बहुत सारे हैं, राजा भोजपुरी आ रहा है, खेसारी लाल की अभी खिलाड़ी आ रही है, दिनेश जी की आ रही है, ऐसे रेगुलर मतलब बहुत सारी फिल्में हैं। फिल्मों में आजकल गाने जो आ रहे हैं उसके शैली वाली के बारे में क्या कहेंगे, कैसा चल? शैली तो खैर अभी भोजपुरी में काफ़ी मतलब हद तक नीचे गिर चुके थे लोग गाने वाने के, लेकिन अभी फिलहाल सेंसर टाइट होने की वजह से सब कुछ सुधार होना चालू हो गया है, और बिल्कुल सेंसर में बिल्कुल सब कुछ काट दिया जा रहा है, बिल्कुल कुछ भी वर्डिंग अगर गलत हो रहा है तो काट दिया जा रहा है। और अच्छी बात है कि अपने भोजपुरी जो अभी गंदगी फैली हुई थी भोजपुरी में, तो अभी साफ होना बहुत ज़रूरी है उसको, मतलब समाज काफ़ी क्या फैमिली कटते जा रही है, जो भी अच्छी फैमिली है वो फिल्म देखना बंद कर दी थी, लेकिन अच्छा होगा, अच्छी फिल्में बनेंगी, अच्छे गाने आएंगे तो ज़रूर सारी फैमिली देखेगी, हर अच्छे लोग आएंगे सिनेमा में।